वेलकम टू माय चैनल एस एल व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके, सिस्टर्स के। और आज जो है ना, आज इसके ऊपर क्रोशिया का काम हो रहा है। ये है रिंग। अच्छा, इस रिंग को ना बना के बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर शीशा भी लग सकता है। इसके साथ नीचे ये जो दुपट्टे होते हैं ना, ये वाले, इनका नीचे पल्लू, इसको बना के इस तरह क्रोशिया से मैं दिखाती हूँ कैसे बनाना है। उस तरह बना के ना इसका डिज़ाइनिंग करके, तो यहाँ पर भी क्रोशिए से सारा काम करके फिर इसके नीचे ऐसे जैसा लटकन होती है, तो इसी से बना के फिर वो लटकन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे ये ऊन है और ऊन का ये होता है, जैसे अभी विंटर आ रहा है तो शालें होती हैं या स्टॉलर जो के गर्म होते हैं ना सर्दियों वाले, उनके ऊपर इस तरह का काम जो होता है ना बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि उनकी वजह से। वैसे अगर कॉटन या ये वाला जो दुपट्टा है शफून का, इसके ऊपर करें तो इसके ऊपर फिर ये वाला दूसरा धागा इस्तेमाल होगा क्रोशिए के लिए, ये वाला। और वैसे ये कलर मैच नहीं कर रहा, लेकिन बता रही हूँ कि इस तरह इसकी किनारी जो है ना, आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज है दुपट्टों के ऊपर पीको बनाने का। पीको की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ आई हुई है, मोती वाली पीको है, दूसरी है तो डिज़ाइन वाली है, काफ़ी सारी हैं। तो उसके साथ ये क्रोशिए की भी अगर बेल बनाई जाए ना, जैसे पहले हमारी मेरी नानी बनाती होती थी, और ये मैंने काम अपनी नानी से सीखा है, और उन्होंने बहुत, मतलब उन्होंने बहुत काम किया। उनके हाथ का काम जो हुआ है ना, अभी मेरे पास है एक पिलो कवर, तो पिलो कवर उन्होंने बनाया हुआ है इस धागे से, बल्कि दूसरे ये थोड़ा ऊन वाला है ना, सूती स्टफ है, उन्होंने जो बनाया हुआ है वो थोड़ा और है धागा, लेकिन उससे भी उन्होंने पूरा पिलो कवर बनाया हुआ था। तो मैंने उन्हीं से सीखा है, उन्होंने मुझे सिखाया था, फिर ये हुई के बाद में फिर प्रैक्टिस नहीं की। और अब जब ये है दोबारा, ये काम अब इन हो चुका है, तो इसको बनाते हैं अब। ये है ना ऊन है। अच्छा, ये कोई भी कलर जिस तरह का दुपट्टा हो उसके साथ का मैचिंग कलर ले लें, या फिर जो दुपट्टा आप उस कलर का दूसरा जो होता है ना, उसको क्या बोलूँगी मैं, जैसे कलर कंट्रास्ट करते हैं वो होगा, तो ये होगा इस तरह। इसकी स्टार्ट में करना है नीचे से, ये लिया ला, अच्छा ऐसे, और इसका ये लॉक लग गया। यहीं से आप इसको स्टार्ट करते जाना है, और ये पूरा रिंग इस तरह करके फिर उसके ऊपर जो भी डिज़ाइनिंग करते चाहे, क्रोशिए की भी इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग है ना कि कोई हद नहीं। अच्छा, अब इसको फिर ऐसे करना है, फिर ये, और इसको फिर यहीं से ये दोनों ऐसे, ये आगे इसी तरह ये सर्कल बनता चला जाएगा। तो पूरा ये बना के, और फिर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो होती है वो मोती की भी हो जाती है, प्लेन डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, जैसे इसी से फूल और आगे बड़ा बना लो थोड़ा फूल, और वो फूल जो है ना उसके भी लिए भी ना बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं कभी ना इस वीडियो में, अभी तो वो थोड़ा दूर पड़ा हुआ है ना, वो पिलो कवर है जो मेरी नानी ने बना के दिया था मुझे, मेरी नानी जी ने, तो वो अभी तक है, मतलब ना उसका काम ख़राब नहीं हुआ, इतनी नफासत से बना हुआ है। तो मैं कभी वीडियो में ना वो दिखाऊंगी वो। तो ऐसे ये बनता चला जाएगा, इस तरह इसको बनाते जाना है। ये है हमारी जो बड़ी होती है ना नानियाँ दादियाँ, वो स्पेशल नानी जी मेरी ने, उन्होंने बहुत काम किया क्रोशिए के ऊपर, क्रोशिया, सिलाइयाँ, स्वेटर बुनना, शालें बुनना, एक शाल भी उन्होंने बुना, हम छोटे होते थे ना जब, बहुत बचपन में, उन्होंने मुझे इसी तरह पिंक और वाइट कलर की शॉल बना के दी थी। वो बड़ा अरसा चली है वो, मतलब मैंने बहुत अरसा लिया वो, उनकी शॉल थी वो, और काफ़ी बड़ी, जैसे हम लोग सिपारा पढ़ने जाते थे, या फिर वैसे ही सर्दियों में शोकिया ले लें ऊपर, जी नानी जी ने बना के दी है, तो वो बड़ा। ये सारा रिंग बन गया, इसको रिंग कहते हैं ना। इस रिंग से बहुत सारे काम, इसके ऊपर कढ़ाई भी की जा सकती है, मतलब इस तरह इसको कवर करके ना, तो इसके साथ कढ़ाई भी की जाती है, सिंधी, बलोची, ये जो टांके हैं ना इसमें रिंग ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब शीशे वाला काम जिधर हो ना, खाली शीशा नहीं जिसके साथ रिंग लगा हो, उसके साथ ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये और ये
खुलना जाना, मक्खियाँ ने बड़ा तंग किया हुआ आज ये। अच्छा ये अब इसको, ये जो धागा अब लटक रहा है ना, इसको देना है काट ये, और यहाँ पर आके ये रिंग जो है मुकम्मल हो गया। आगे इस रिंग की क्या बनाना है वो अपने ऊपर है कि इसका कोई डिज़ाइन कौन सा बनाना है, यानी ये जो है ना इसके किनारों पे फूल भी बांध सकते हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी सी डिब्बियाँ भी बांध सकती हैं। डिब्बियाँ मतलब ये जिनको ये काम पता है ना क्रोशिए का, वो समझते होंगे डिब्बियाँ फूल ये इसकी लैंग्वेज है एक इस कढ़ाई की। तो ऐसे इसको इसको यहीं पर लॉक नहीं कर लिया, चाहे तो इधर ही लॉक करके इतना सा भी अच्छा लगता है, इतना सा ऊपर थोड़ी सी ऊपर बना के इसकी ना बेल ये इतना सा बना के तो लटकन बना लेना, या इसको इधर से कवर कर दे ऐसे, और थोड़ी सी बेल ऊपर बना के दुपट्टे के नीचे लटकाने वाली जो होती है ना वो उस तरह से भी लगा सकते हैं आप। तो मैं जो हूँ मैं इसको आगे लेके जाती हूँ कि यहाँ पर ना अभी और इसको बस ये इतना, चाहे तो इसको इधर ही लॉक लगा दें, मेन जो होता है ना वो इतना ही होता है। अब इसको आगे और डिज़ाइनिंग वो इंशाल्लाह, वीडियो लंबी हो गई है तो नेक्स्ट इसको बहुत ज़्यादा बनाएंगे लंबा करके। फिलहाल ये इतना भी बहुत प्यारा है। अगर इसको मेन जो है दुपट्टे के साथ लटकन के तौर पर, या इसके अंदर यहाँ पर जो है इधर शीशा फिक्स करके नीचे जिस जगह पर आपने लगाना है यहाँ पर शीशा, इस तरह से ये शीशा है, और शीशे को ना ऐसे ग्लू के साथ कपड़े के ऊपर रख के चिपका के इसके ऊपर यूं रख के आप सुई के साथ ना ऐसे टांका लगा के, या इसी क्रोशिए के साथ, अगर कपड़े पे डिपेंड करते हैं अगर आपके पास कौन सा कपड़ा है, अगर सूती कपड़ा है तो वो सुई के साथ लगेगा यहाँ पे हल्के हल्के से, यहाँ पर ना छोटे छोटे से टांके अंदर वाली साइड पर लग जाएंगे तो ये बड़ा प्यारा खूबसूरत सा लगेगा। और अगर लटकाना है नीचे तो यहाँ पर बॉर्डर पे लटका दें। चलो जी बन गया। तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और अल्लाह हाफिज़।